तो दर्शकों, अभी हम लोग कुछ सज्जन यहाँ आए हुए हैं जो 1857 की क्रांति के जो क्रांतिकारी रहे हैं उनको यहाँ सम्मान दिया जा रहा है नेहरू स्टेडियम में। तो अभी हम लोग बात करते हैं और जानते हैं कि इसका प्रारूप क्या है। जी, शुभ नाम आपका? डॉक्टर सूरज सिंह, सर्वोच्च न्यायालय अधिवक्ता। आप सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, ये जो प्रोग्राम यहाँ हो रहा है 1857 की क्रांति पर, जी, और उद्देश्य ये है कि जो लोगों को उस टाइम जिन लोगों ने शहादत दी थी उनका इतिहास में कहीं जिक्र नहीं है, जी, तो यहाँ सम्मान तो दिया ही जा रहा है, जी, तो आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, ये बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे भूले बिसरे गीत होते हैं ना, ठीक इसी तरह से ये लोग जिन्होंने नींव के पत्थर की तरह से काम किया, आज अगर हम आजाद हैं तो इन लोगों के बलिदानों से, जी, लेकिन क्योंकि इतिहास विजित विक्टर लिखता है, जी, तो नेचुरली जिन्होंने विद्रोह किया उसका तो इतिहास लिखा नहीं जाएगा, जिन लोगों ने साथ दिया है उनको राजा महाराजा बताया जाएगा, जी। तो इसलिए ये जो है हमारा इतिहास, क्योंकि जब तक हम ना जाने कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी, मैथिली शरण जी कहते हैं। तो यहाँ जो जाति अपनी परिभाषा भूल जाती है उसका गौरव कम हो जाता है, जी। तो इसलिए भारत की, जैसे मोदी जी भारत की संस्कृति, भारत की महानता को सारी दुनिया को याद दिला रहे हैं, ठीक इसी प्रकार हम भी अपनी गौरवशाली जाति वीर गुर्जर का परिचय यहाँ दे रहे हैं। क्योंकि मैं जब ऑक्सफोर्ड में पढ़ता था, इंग्लैंड में, हार्वर्ड में भी पढ़ा हूँ, तो ऑक्सफोर्ड में जब मैंने पहली बार देखा, इंडिया पे किताब थी वंडर दैट वाज इंडिया, डॉक्टर एलन बासम है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापी थी, ये कोई गुर्जर पत्रिका की कहानी नहीं है। तो जब 9वीं सेंचुरी पे हम आए और भारत का उसमें नक्शा दिया होता, तो भारत के नक्शे में 9वीं सेंचुरी में सबसे बड़ा जो साम्राज्य वो था गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, गुर्जरा प्रतिहार डायनेस्टी। तो हमने कहा भाई ये तो हमें तो नहीं बताया गया। बाद में पता चला कि 711 में मुसलमानों ने सिंध पर कब्जा कर लिया था, और 738 में वो भारत की तरफ आ रहे थे हिंद कुश को पार करके, तो उनको जो सीमा पर वहीं रोक दिया 300 साल तक, वो नागभट प्रथम गुर्जर थे, जी। और वो 738 में चले गए यूरोप की तरफ, स्पेन में मुसलमानों का 800 साल तक राज रहा, वरना यहाँ 300 साल पहले आ जाते, जी, जी। उसके बाद 738 से 1032 तक ये गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी चली, जिसमें सम्राट मीरभोज जैसे हुए, जिनके पहली बार नवरत्न, अकबर के तो नवरत्न बाद में आए, तो पहले नवरत्न जो है सम्राट मीर भोज के यहाँ थे। इसी तरह सवाई भोज 1025 में, वो इतने बड़े विद्वान थे, राजा थे, लेकिन विद्वान थे कि उन्होंने 32 ग्रंथों की रचना की है संस्कृत में, जी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल लोग कहते हैं गुर्जर पढ़ते नहीं, अब मैं अपनी खुद के बारे में कहूँगा तो अच्छा नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हमसे बड़ा अगर कोई ज़्यादा एजुकेटेड वकील हो तो मैं सुप्रीम कोर्ट की बात छोड़ दूंगा। अब जैसे उदाहरण के लिए इस समय चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ है, जी। ये मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे, जी। तब भी मैं इनके सेक्शन का प्रेसिडेंट था, जी। हार्वर्ड से डॉक्टर ऑफ लॉ ये हैं, हार्वर्ड से डॉक्टर ऑफ लॉ हम हैं, उसके अलावा हमने ऑक्सफोर्ड में पढ़ा और पढ़ाया है ना, जी। उसके अलावा हम विद्यावाचस्पति हैं, विद्यावाचस्पति का मतलब जिसने वेदों उपनिषदों को मूल रूपेण पढ़ा, बचपन में मुझे गीता कंठस्थ थी, जी। अब तो जब क्लाइंट समय पर फीस नहीं देते तब गीता के श्लोक सुनाते हैं, संशय आत्मा विनश्यति, संशय करोगे विनाश हो जाएगा, फीस निकालो, है ना। तो इसलिए इसका कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी जो एनर्जी, हमारी जो ताकत है, उसका वर्ल्ड में, इंडिया की बात नहीं, वर्ल्ड में कोई मुकाबला नहीं है। अब जैसे हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जब हम पढ़ते थे तो सारे जो अमेरिकन थे उनमें फर्स्ट आया था ओबामा, अमेरिका का राष्ट्रपति बना, हमारे साथ था, जी जी जी। और वर्ल्ड के जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट्स थे 120 कंट्रीज में वो हमने लिए, तो उस समय हमें $25,00,000 का वजीफा मिला, जी जी, है ना, बड़ी बात है। तो इसलिए ये दिखाने के लिए कि जो कहते हैं भाई गुर्जर तो शिक्षित नहीं है, अरे डॉक्टर साहब कहना है इसमें तो एक थोड़ा सा कंक्लूजन ये है, हाँ, कि जो अशिक्षितता की जो बात आती है ना, हाँ, गुर्जरों की, हाँ, ये तो मैं मानता हूँ कि ये 1800 ईस्वी का जो दौर रहा है, हाँ, उसमें जो गदर जो क्रांति हुई है, जी, उसकी वजह से मेन स्ट्रीम से इनको बाहर कर दिया, मेन स्ट्रीम से बाहर कर दिया, 150 साल का जो हिस्ट्री, हाँ, है ना, हाँ, उसमें पड़ बना दिया, बिल्कुल बिल्कुल। और 150 साल में अंग्रेजों का सिर्फ 150 साल का ही राज था, 150 साल कितना फर्क डालते हैं, मैं एक उदाहरण देता हूँ पवार साहब आपको, जी। अभी ब्रिटिश प्रोफेसर मॉरिसन ने एक बहुत
महत्वपूर्ण किताब निकाली, 2000 साल इकोनॉमिक हिस्ट्री जी। इंडिया 1 से 1200 AD तक जब गुजरों का राज था जी, 32% सारे वर्ल्ड की GDP थी, 32% जो अमेरिका की आज भी नहीं है जी जी। उसके बाद जब मुस्लिम आए तो 1200 से 1800 तक 32 से वो 25 हो गई, 7% सिर्फ घटी जी। लेकिन 150 सालों में 1800 से लेके 1950 तक, 47 तक जी, भारत की GDP 25% से 2.5% आ गई। कोई आदमी 25% हो, 2.5% हो, तो गुर्जर हम 25% थे, अब 2.5% आ जाएं तो कोई गिनती नहीं है। तो 150 साल में 6 जनरेशन गुजर जाती है और 6 जनरेशन में बहुत कुछ बदल जाता है। हमारा ये विश्वास है कि अब अगली 6 जनरेशन में भारत को भी विश्वगुरु बनाएंगे और गुर्जरों को भी उनकी जो गौरवशाली इतिहास है, अतीत है, उसको पुनर्जागृत करेंगे। चलिए, बहुत शानदार मैसेज आपने दिया, धन्यवाद। आप यहीं रहेंगे अभी जी। शुभ नाम आपका? Myself, लेफ्टिनेंट कमांडर दीपक, प्रेजेंटली पोस्टेड इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हियर। एंड बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बेसिकली, मुझे गौरव है कि मैं 1857 क्रांति के महानायक राजा उमराव सिंह का वंशज हूँ। और ये अनुभव जो हमने अभी डॉक्टर साहब ने एक बात करी थी कि ये एजुकेशन के साथ आता है। जब हम, आई रिमेंबर कि व्हेन आई क्रॉस द 12th ऑल्सो आई वेंट फॉर माय ग्रेजुएशन, सो मुझे ये उम्मीद नहीं थी। हिंदी चैनल है, ठीक, थोड़ा सा हिंदी में बात करेंगे। ठीक ठीक, तो जब हमने 12वीं ख़त्म करी थी तो ये एहसास भी नहीं था कि हम राजा राव उमराव सिंह के वंशज हैं। ये जब हमने हिस्ट्री को खंगाला, जब हमें, क्योंकि हमारी हिस्ट्री में हमें कभी ऐसा पढ़ाया नहीं गया कि भाई राजा राव उमराव सिंह थे, ये हमारी आपस में जो कुछ हमारे बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने हमें बताया। तो हमारी ये मुहिम जो गुजर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट के साथ शुरू हमने ये करी है कि हमारा कल्चर के साथ साथ हमारा एजुकेशन, क्योंकि जितने हम शिक्षित होंगे उतना हम अपने से जूनियर्स को, अपने से नई पीढ़ी को ज्ञान देंगे कि भाई हमारा इतिहास ये था। क्योंकि हमारा जो, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारा जो 150 साल का समय था उसमें हमें विलीन किया गया है। आज अगर हम ये अवार्ड 1857 से लेकर आज़ादी तक के बीच का कर रहे हैं तो ये हम लोगों को बता रहे हैं, और ये भीड़ जो इकट्ठी हुई है ये जानती है कि हमें पहले कभी सम्मानित नहीं किया गया है। क्या हमें आगे ये कार्यक्रम करने चाहिए? हाँ, हम इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, जितना कोशिश कर रहे हैं हम समाज को जोड़ रहे हैं, और कोशिश यही है कि एजुकेशन स्प्रेड करी जाए, क्योंकि विदाउट एजुकेशन, आज के ज़माने में कहावत है कि बिना शिक्षा कुछ नहीं है। तो हमारी कोशिश है इस मुहिम के द्वारा कि हम लोगों से अपने समाज के बारे में, और 1857 से लेके आज़ादी तक जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया है उसको उजागर किया जाए, लोगों को बताया जाए एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे। अभी आवाज़ इसकी गूंजेगी, इसका रिलाइज़ जब कल अखबारों में जाएगा, जब आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोग सुनेंगे तो उन्हें रिलाइज़ होगा कि हाँ कुछ लोग हैं। कल मेरी एक, हमारे कनिष्ठ मित्र हैं, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि यार ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है कि एटलीस्ट आपके अंदर वो है कि हम अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और नौजवानों को जोड़ रहे हैं। मेरा सभी से यही संदेश है कि आइए जुड़िए और जानिए गुर्जर समाज का इतिहास। जय हिंद जी। शुभ नाम आपका? आदर्श कुमार। आदर्श कुमार जी, जी आदर्श जी, आप ये बताइए, थोड़ा सा अपने प्रोफेशन के बारे में बताना चाहेंगे? मैं सेवानिवृत्त भारत सरकार का अधिकारी हूँ जी, और अब समाज के लिए और देश के लिए ये जो अलग नई पीढ़ी ने जगा रखी है आदर्श साहब, उसमें अपना थोड़ा योगदान। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप इस पूरे सिस्टम में रहे हैं, 1857 के जो क्रांतिकारी थे जिनको इतिहास में जगह नहीं मिली, उनको इतिहास में जगह कैसे दी जाए, आप अपने एंगल से बताएं। देखिएगा साहब, सवाल तो ये वकील साहब का, लेकिन पूछ मैं आपसे रहूँगा। नहीं, अधिवक्ता का कुछ कुछ अनुभव सरकार में रहने के बाद सरकारी अधिकारी को भी हो जाता है। एक छोटे से उदाहरण से आपको बताऊंगा। चाक पे जब एक बार घड़ा बन जाता है और उसको आँच में पका दिया जाता है तो उसका जो, उसकी जो शेप है, उसकी जो बनावट है, वो बदली नहीं जा सकती जी, उसको तोड़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो जो मिथक हमारी जाति के विरुद्ध, हमारे देश के विरुद्ध अंग्रेजी सत्ता ने गड़े थे, उन मिथकों को जड़ समेत तोड़ना पड़ेगा, नई माटी गूंथनी पड़ेगी और उससे नया सृजन करना पड़ेगा। सो देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट कि हम लोग अपना नया इतिहास लिखें और सही इतिहास लिखें, और उसके लिए
जो आज का आयोजन है ये लोगों को अपने पास्ट से, अपने अतीत से, अपने पूर्वजों से जोड़ने का एक प्रयास है कि जिससे पता लगे हमारा अतीत क्या था और आज हम कहाँ हैं। जैसा मैथिली शरण गुप्त की कविता डॉक्टर साहब ने कही कि क्या था और अब हैं और आगे क्या होंगे, तो ये बैठ के किसी भी बुद्धिजीवी को सोच कर विचार करना पड़ेगा कि भाई हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए और इसके अगर पतन है तो उसके कारण क्या है और अगर उत्थान है तो उसका कारण क्या है। तो ये ऐसा मंच है और ऐसा आयोजन है जिसमें इस बात मंथन करने का, विश्लेषण करने का हमको अवसर मिल रहा है। जो हिस्ट्री क्रिएट की जाती है, जो हिस्ट्री में जो नाम दर्ज होते हैं, उसका ऑथेंटिक उसका तरीका क्या है? देखिएगा, अब से पहले तो जो सरकार ने लिखा, अभी आप थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन एक आरटीआई के द्वारा पूछा गया कि साहब ये कहाँ लिखा है, किस अधिकृत ग्रंथ में ये उद्घृत है कि एक जो वास्तुशिल्प का नमूना है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि वो फला राजा ने बनाई जी। तो भारत सरकार की तरफ से आरटीआई में जवाब आया कि साहब हम पढ़ाते तो एनसीईआरटी की किताबों में हैं, परंतु हमारे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं है कि ये अमुक राजा ने बनाई जी। तो इससे तो यही लगता है कि किसी को अचानक ख्याल आया कि ये तो फिरदौस का आम है, तो चलिए चख लिया जाए, तो जो जहाँ किसने लिख दिया, लेकिन उसकी ना तो कोई लिपि है, ना कोई शिलालेख है, ना कोई पुरानी स्मृति है, ना कोई श्रुति है, कुछ नहीं है। केवल कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के चलते, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते, जिसमें जातिगत स्वार्थ भी थे, राजनीतिक स्वार्थ भी थे और मैं तो कहूँगा आर्थिक स्वार्थ भी थे, उनके चलते मनगढ़ंत कहानियाँ लिख दी हैं। और जो ठोस प्रमाण हमको आज की तारीख में शिलालेखों में मिलते हैं, ये जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया था कि नागभट प्रथम, आपको उनके शिलालेख मिलेंगे डॉक्टर साहब, आपको इतिहास के अंदर वो चीज़ दर्ज है, उसको नज़रअंदाज करके किसी व्यक्ति, अमुक व्यक्ति ने कर दिया चूँकि वो सत्ता के निकट था, तो वो दुराचार हमारी संस्कृति के साथ, हमारी सभ्यता के साथ, हमारे इतिहास के साथ किया गया है। तो मेरा तो सुझाव ये है कि दूध का दूध पानी का पानी तभी होगा जब हम साक्ष्य और तथ्यों के ऊपर आधारित बात करेंगे और केवल कही सुनी बातों को इतिहास में यूं ही ना दर्ज कर दें। पवार साहब, ठीक है जी, जी जी, अगर उदाहरण दें, मान लो मैं आज आपसे कहूँ कि अंग्रेज गुलाम रहे थे जी, इटली के जी, तो कितने लोग विश्वास करेंगे? बिल्कुल। लेकिन 597 में, 593 में अंग्रेजों के बच्चे वेटिकन सिटी में बिक रहे थे जी, तो उस समय के पोप ने पूछा, ऑगस्टस ने, कि हु आर दीज, उन्होंने कहा ये एंगल्स हैं, उसने कहा क्यों इसने गोरे गोरे हैं, बिक क्यों रहे हैं, उसने कहा इनके माँ बाप के पास खाने पीने का नहीं है जी, तो उन्होंने कहा डू दे नो द लॉर्ड, क्या ये जीसस क्राइस्ट को जानते हैं, उसने कहा ना ना कुछ नहीं पता इनको, तो पहला आर्च बिशप उन्होंने 597 में कैंटबरी इंग्लैंड में भेजा जी, जिसने उनको क्रिश्चियन वगैरह बनाया जी। तो अब ये जो इतने फन्नेखा बनते हैं, पहले ये खुद बिक देते है ना, ठीक इसी तरह से राजपूत शब्द, अब राजपूत शब्द 1196 से पहले आता ही नहीं है जी, तो उससे पहले क्या थे भाई, तो वो क्षत्रिय थे, और आए कहाँ से, जब पृथ्वीराज चौहान जो हार गए उस समय सभी क्षत्रियों ने ये कहा कि भाई कल तो फिर दोबारा अटैक होगा, तो उन्होंने एक विशेष योद्धा की सेना बनाई सभी क्षत्रियों में से, जिसमें गुर्जर प्रमुख थे, गुर्जर, जाट, अहीर, ये सारे, और उनको क्योंकि उनका बेसिक काम, क्योंकि बाकी सब लोग तो खेती बाड़ी करते थे, उनका बेसिक काम युद्ध करना, लड़ाई करना, एक तरह से वो स्पेशल फोर्स हो गई, जैसे सिखों में गुरु गोविंद सिंह जी ने बनाए। हाँ, तो उससे उसके बाद नेचुरली जो है, जो होते गए वो राजपूत अलग हो गए क्षत्रियों से, जो खेती बाड़ी करते रहे गुर्जर और जाट वगैरह हो गए। तो ये इतिहास को अगर हम देखें, अब जैसे मैं रेवाड़ी से आता हूँ, मैं ऑक्सफर्ड हार्वर्ड में पढ़ा, अब मेरी गुड़िया पहले इंग्लैंड में पढ़ी, अब कैनेडा में, अब मेरे बच्चों में और मेरे भाई के बच्चों में फर्क पड़ जाएगा एक ही पीढ़ी में जी, जी। लेकिन हमारा दादा तो सेम है। अब अगर मैं अपने आप को फन्ने का समझने लगूं जी, तो ये थोड़े कि उसके बच्चे और हमारे बच्चे जो है रिलेटेड नहीं है। बिल्कुल, बहुत शानदार आपने एग्जांपल दिया। तो जो पावर में आ जाता है वो इतिहास से ऐसे करता है जैसे अमीर बन जाता है, तो वो दिखाता है कई पीढ़ियों से वो अमीर था। उदाहरण स्वरूप नेपोलियन का कोई बैकग्राउंड नहीं था, अब नेपोलियन ने कहा यार राजा महाराजा के बैकग्राउंड से तो हूं नहीं, तो उसने क्या है, हैब्सबर्ग डायनेस्टी जर्मनी में उस समय सबसे बड़ी थी, उसकी लड़की से शादी कर ली ताकि बैकग्राउंड में ये आए कि जो इससे पहले 300 साल से राजा चले आ रहे हैं उनका ये दामाद उच्च वंश से। तो इसलिए ये इतिहास को समझना पड़ेगा कि जिसकी ताकत होती है वही इतिहास लिखता है। गुर्जर द्वारा पावर में आ जाएं
इतिहास फिर से बदल जाएगा। शक्ति इनका कोई इतिहास नहीं होता, शक्तिवान का इतिहास होता जी। आप कुछ कहना चाह बोलना चाह रहे थे? एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी बात को और डॉक्टर साहब की बात को डिटो करूंगा कि देखिएगा, मनुष्य जो है बीज और वातावरण, प्रकृति और पुरुष, जन्म और परवरिश दोनों से मिलकर चुनता है। तो हमारा, डॉक्टर साहब का और सभी गुजरों का, और मैं कहता हूँ सभी लोगों का, जो बीज है वो विशिष्ट है क्योंकि उसके अंदर पूर्वजों का पुरुषार्थ जुड़ा हुआ है। परंतु चूंकि वातावरण नहीं मिला तो वातावरण के चलते अच्छे बीज का पौधा भी कमज़ोर होता है और उस पर फल नहीं आता है। तो जो आज हम भारत की जो सभ्यता देख रहे हैं, जो अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे 597 में, पाँचवीं छठी शताब्दी, चौथी पाँचवीं छठी गुप्त काल, भारत का स्वर्णिम काल था जी। जो आप ये मेहरौली में जो आयरन पिलर देखते हैं जिसपे अभी तक आज की तारीख में 2023 में जंग नहीं लगता है, ये टेक्नोलॉजी जो हमारे पास पाँचवीं छठी शताब्दी में थी, ये टेक्नोलॉजी इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आई 19वीं सेंचुरी में जी, 1850 के बाद 19वीं सेंचुरी। और हमारे पास वो टेक्नोलॉजी कि जिसपे ऐसा हमने एक धातु बनाई, धातु का मिश्रण बनाया कि दैट इज़ एंटी रस्टिंग, एंटी एजिंग, उसके ऊपर पाँचवीं छठी शताब्दी का ये आपके पास लॉ स्तंभ है। हमारा लिटरेचर ले लीजिए, हमारा आर्किटेक्चर ले लीजिएगा, आप साउथ में चले जाइए टेम्पल्स देखिएगा, तो चाहे लिटरेचर है, चाहे पोएट्री है, चाहे आर्किटेक्चर है, चाहे साइंस है, चाहे टेक्नोलॉजी है, हमारा जो इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। और ये एक बहुत सुनियोजित तरीके से इन लोगों ने कहा कि किसी को अगर आपको रूल करना है, देखिए हाथी शरीर में मनुष्य से कई गुना बड़ा होता है, ताकत बहुत होती है, परंतु मनुष्य उसकी बुद्धि को कंट्रोल करता है। तो अंग्रेज़ों ने, जो कॉलोनी मास्टर्स थे, उन लोगों ने हमारे जो मन है, हमारा जो आत्मविश्वास है, हमारी जो चेतना है, उसको कैद किया, उस पर आघात किया और ये बताया कि तुम तो शोषित हो, तुम तो दलित हो, तुम वंचित हो, जिसके चलते हमारा जो पूरा समाज है वो आत्मविश्वास विहीन हो गया। और आज हमारी स्थिति ये आई कि हमें अपनी वंशावली इतनी गौरवशाली होने के बाद अपने पैर ज़मीन में टिकाने में कष्ट हो रहा है। तो उन्हें इस बात को मैं कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा कि भाई इस तरह के आयोजन से हम अपने अतीत से जुड़ते हैं और इसके द्वारा हम अपने वर्तमान और अपने भविष्य की खोज करेंगे। और निश्चित रूप से, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि मोदी जी चाह रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बने, तो हम भी चाहते हैं कि हमारा, आपका, जिनका, सबका जो बीज है, जो दैवीय है, जो हमारे पूर्वज हैं, उनका जो अंश हम लिए हुए हैं, हम भी उन्हीं के अनुसार, उन्हीं की तरह अपने वर्तमान को इतना गौरवशाली बनाएं कि आने वाली पीढ़ियां आज के वर्तमान पे गर्व कर सकें। चलिए साहब, बहुत थैंक यू। डॉक्टर साहब जी क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ, एक उदाहरण मैं दूंगा जी। लॉर्ड मैकाले ने 1835 में जी एजुकेशन मिनट के नाम से ब्रिटिश पार्लियामेंट में भाषण दिया कि भारतीयों को किस तरह की शिक्षा दी जाए। तो उन्होंने कहा इनको संस्कृत में तो पढ़ाया नहीं जा सकता क्योंकि संस्कृत ने सिर्फ भिकमंगे पैदा किए, लॉर्ड मैकाले के अनुसार। पर्शियन और उर्दू में भी पढ़ाया नहीं जा सकता क्योंकि पर्शियन और उर्दू ने लॉर्ड मैकाले के अनुसार सिर्फ फकीर पैदा किए। तो ही सेज नाउ इट सेटल्ड दैट इज द वेस्टर्न एजुकेशन एंड प्रेफरेबली द इंग्लिश एजुकेशन क्राउन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। कि ये अब तय हो गया, इतिहासकार कह रहा है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड लिखने वाला लॉर्ड मैकाले, कि ये तय हो गया कि इनको यूरोपियन, खासतौर से इंग्लिश एजुकेशन दी जाए जो सारी मानवीय सभ्यता का सिरमौर रहा है। कब से भूखे मर रहे थे, 597 में हमने बताया, 1606 में जब सर थॉमस रो आया जहांगीर के टाइम में, तो जहांगीर ने पूछा भाई किस लिए ये बंदर सा दिखने वाला कौन है? उसने कहा जी ये फिरंगी है और यहाँ तिजारत करने आया है, तिजारत, ट्रेड। उसने कहा इसके पास है तिजारत करने को क्या? तो पता है क्या, आलू, मिर्च और तंबाकू, ये तीन चीज़ें थी। और हमारे यहाँ तो उस समय था, हमारी जीडीपी इंग्लैंड की जीडीपी से 27 गुना ज़्यादा थी जी, 27 गुना। और एक बात और, गुर्जर की बात कर रहे हैं, जब गुर्जर राजा थे भारत की जीडीपी कितनी थी? 32%। आज को इसको बीट करके दिखा दे, 32% हमारी जीडीपी सारे वर्ल्ड की गुर्जर के टाइम में। तो गुर्जर का राज्य तो स्वर्णिम काल रहा है, गुर्जर का पतन और भारत का पतन समकालीन है जी। और गुर्जर का उत्थान और भारत का उत्थान भी साथ होगा। नहीं नहीं, चलिए, बहुत शानदार इन्फॉर्मेशन आप दोनों लोगों ने दी। तो दर्शकों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही।